अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक फ्लावर शेयर करूंगी बनाना। ये मैंने नलकी ली है, आम थ्रेड है जिसे हम कपड़े सिलाई करते हैं। इसको मैं एक ब्लेड से काट लूंगी इस तरह। आप ब्लेड से अच्छे से काट लें, नीचे तक सारे धागे कटने चाहिए, इतना काटें कि सारे धागे कट जाएं। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, आपको नई नई वीडियो डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। इस तरह सारे धागे आप अच्छे से कट कर लें नीचे तक। ये देखिए सारे धागे कट हो गए हैं नीचे तक। आराम से अंदर से नलकी को निकाल दें और धागे से इसे अच्छे से बांध लें। दरमियान से धागे से ही बांध लें। बांधकर इसे इसका सेंटर बना लें। इर्द गिर्द के धागों को ऐसे कंघे की मदद से सीधा कर लें। इस तरह कंघे की मदद से सारे धागे साइडों से सीधे कर लें। एक्स्ट्रा जो थोड़े थोड़े इधर से लंबे हैं उनसे काट दें, अच्छे से गुलाई कर लें फ्लावर की। ये फ्लावर हम बच्चों की फ्रॉक पर लगाएं तो बहुत प्यारे लगते हैं। फ्रॉक पर लगा लें या आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनके दरमियान में फूल की जगह पर ये फ्लावर बनाकर लगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए सेट हो गया है, अच्छे से गोल भी बन गया है, साइडों से गुलाई भी हो गया। कपड़े पर रखकर, जिस कपड़े पर आपने अटैच करना है उसी पर रखकर दरमियान में इसके यहाँ मैं बटन लगा रही हूँ। अगर आप कोई नग या पर्ल वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। मैंने इधर बटन लगाया है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।